आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 21 टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विद सिंबल। क्योंकि जब तक हम सिंबल्स के बारे में कंपोनेंटों का नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी सर्किट डायग्राम को समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा सिंबल कौन सा कंपोनेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए हम इस वीडियो में आज बताएंगे कि कौन सा सिंबल्स किस कंपोनेंट को इंडिकेट करता है। सबसे पहला हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए, रेजिस्टेंस का सिंबल्स कुछ ऐसा होता है जो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का। देखिए, ट्रांजिस्टर में दो सिंबल्स होता है, एक ऐसा एक ऐसा। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को बताता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को बताता है। देखिए, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसमें देखिए जो तीर का निशान है वो बाहर की ओर है, मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। और इस जो डायग्राम में है इसमें देखिए तीर का निशान अंदर की ओर है, मतलब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। ट्रांजिस्टर देखिए इस प्रकार का भी होता है, इस प्रकार का भी होता है, ऐसा भी होता है। अब हम बात करते हैं डायोड के। देखिए, डायोड का दो सिंबल्स होता है, एक ऐसा एक ऐसा। किसी सर्किट में ऐसा सिंबल्स होता है, किसी सर्किट में ऐसा सिंबल्स। तो जब भी ऐसा सिंबल रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो डायोड को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, डायोड का इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब हम बात करते हैं जीनर डायोड का। देखिए, जीनर डायोड का जो सिंबल्स होता है वो इस प्रकार होता है, किसी सर्किट में ऐसा होता है, किसी सर्किट में ऐसा होता है, जो जीनर डायोड को इंडिकेट करता है। देखिए, जीनर डायोड में जो इधर है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और अब हम बात करते हैं आईसी का। तो देखिए, आईसी जब भी किसी सर्किट में प्रयोग होता है तो आईसी का नंबर उसके ऊपर लिखा रहता है डायग्राम के ऊपर। आईसी का डायग्राम इसी प्रकार होता है, जैसे हमने यहाँ 8 पिन दिया है तो 8 पिन, किसी आईसी में 16 पिन होता है तो 16 पिन बना होता है, वैसा ही रहता है। अब हम बात करते हैं एलईडी की। देखिए, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी डायोड की तरह ही एक है, लेकिन देखिए ये दोनों दो एरो है जो बाहर की ओर है, मतलब इससे लाइट निकलेगा जो एलईडी को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं हम एलडीआर की। देखिए, एलडीआर का जो सिंबल्स है, ध्यान से देखिए, एलडीआर का सिंबल्स कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, बीच में एक रेजिस्टेंस की तरह है और ऐसा राउंड किया हुआ है। और देखिए, जो दो तीर है वो अंदर की ओर है, मतलब इसमें लाइट देना होगा तभी काम करेगा। देखिए, एलडीआर इस प्रकार ऐसा होता है। देखिए, एलडीआर ये एक एलडीआर है, छोटा भी एलडीआर होता है, मतलब एमएम हिसाब से आता है एलडीआर। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। देखिए, कैपेसिटर का सिंबल्स इस प्रकार होता है और इस प्रकार भी होता है, किसी सर्किट में ऐसा होता है, किसी सर्किट में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मतलब ये सब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सब ऐसा भी होता है। अब हम बात करते हैं रिले के बारे में। तो देखिए, रिले का सिंबल इस प्रकार होता है। देखिए, रिले में जो ये देखिए कॉयल बना हुआ है, ये जो दो पॉइंट है, ये कॉयल का जो दो पॉइंट रहता है रिले में उसको इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ देखिए, जो ये वाला है, जो दोनों ये सटा हुआ है, ये कॉमन के साथ ये, तो ये नॉर्मल क्लोज है, ये कॉमन है और ये नॉर्मल ओपन है। ये नॉर्मल ओपन है, देखिए ये नॉर्मल क्लोज है और ये कॉमन वाला पॉइंट है, मतलब ये नॉर्मल क्लोज वाला पॉइंट है, ये कॉमन है और ये नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट है। और अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, ट्रांसफार्मर हमने यहाँ रखा है, वहाँ जगह नहीं था उतना हमारा, इसीलिए देखिए ट्रांसफार्मर है।
ये हमने ले लिया है आपको दिखाने के लिए, ले लिया है ऐसे दिखाने के लिए 15015 ट्रांसफार्मर। तो किसी भी सर्किट में यदि ऐसा सिंबल रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो ट्रांसफार्मर को इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे वन पोल टू वे स्विच। इसका उपयोग बहुत सारे सर्किट डायग्राम में होता है। तो देखिए वन पोल टू वे स्विच, वन पोल टू वे जो स्विच है उसका जो डायग्राम है, उसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार होता है। अब हम बात करेंगे वन पोल टू वे स्विच के बारे में। देखिए वन पोल टू वे जो स्विच है उसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार होता है। देखिए ये सिंबल आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये सिंबल वन पोल टू वे स्विच को इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं पुश स्विच के बारे में। देखिए पुश स्विच का जो सिंबल है ऐसा इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जो सिंबल है ये पुश स्विच को इंडिकेट कर रहा है। देखिए हमने यहाँ एक छोटा सा पुश बटन भी रखा है, पुश स्विच। देखिए ये पुश स्विच है। अब हम बात करते हैं पीएफ के बारे में। पीएफ जो है, पीएफ का जो सिंबल है वो इस प्रकार होता है। देख लीजिए, देखिए पीएफ का ये सिंबल है। देखिए पीएफ बहुत तरह का होता है। देखिए ये भी एक पीएफ है, 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 मतलब ये सारे सब पीएफ ही है, ये सब सब पीएफ। तो पीएफ ये जो सिंबल है ये पीएफ को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो देखिए बैटरी ऐसा सिंबल बैटरी को इंडिकेट करता है। देखिए सिंबल को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं स्पीकर के बारे में। देखिए ऐसा यदि कहीं किसी सर्किट में सिंबल रहा तो स्पीकर को इंडिकेट करता है। देखिए स्पीकर के एक पॉइंट को ये इंडिकेट कर रहा है और एक पॉइंट ये। देखिए स्पीकर का देखिए दो पॉइंट होता है, उसी को इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं नियॉन लैंप के बारे में। देखिए ये नियॉन लैंप, इसका एक पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है, एक पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है। देखिए नियॉन लैंप का दो पॉइंट, दो तार निकला हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं बजर के बारे में। तो देखिए बजर इस प्रकार होता है, ये एक बजर है। अब हम बात करते हैं डीसी वाटर पंप के बारे में। तो देखिए डीसी वाटर पंप हमने एक लिया है। देखिए ये डीसी वाटर पंप है, ये 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट का है, 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक डीसी में चलेगा। ये डीसी वाटर पंप है। यहाँ से देखिए ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ देखिए निकलता है ये पानी, यहाँ छोड़ता है लाकर, इस पानी को इधर से लाकर छोड़ता है। अब हम बात करते हैं एसी वोल्टमीटर के बारे में। तो देखिए ये एसी वोल्टमीटर है जिसका आमतौर से स्टेबलाइजर में भी उपयोग होता है। देखिए ये वोल्टमीटर। अब देखिए अब हम बात करते हैं डीसी इलेक्ट्रॉनिक सायरन। कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक सायरन के बारे में लिखा होगा तो देखिए ये एक डीसी इलेक्ट्रॉनिक सायरन है, ये 12 वोल्ट डीसी का है इलेक्ट्रॉनिक सायरन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सायरन है 12 वोल्ट डीसी का। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।